फाइनली आज बच्चों की जिद पर को मॉल लेकर आ गया। हाँ फ्रेंड्स, आज बाबा की जेब खाली करवानी है। हमें ऐसी ट्रॉली चाहिए जिसमें मेरा भाई आराम से बैठ जाए और वो सब कुछ देखता भी रहे। हमें ये चीजें लेनी है। मम्मा ने समझा कर भेजा है कि ये चीजें जरूर लेकर आना। तो बस हम ढूंढते हैं, जो चीज हमारे मतलब की मिलेगी वहीं रुक जाएंगे। इतनी गर्मी में सबसे पहले कुछ ठंडा पी लेते हैं। ओ, बाबा के साथ आई हूँ तो अपनी मर्जी से कोई ड्रिंक लूंगी, बहुत यमी सा और रिफ्रेशिंग सा। कुछ ठंडा तो पी लिया, अब चलो कुछ खा भी लेते हैं। देखते हैं यहाँ ऐसा क्या है। वाओ, यहाँ तो और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने अपना फेवरेट सैंडविच बनवाना है। पीटा ब्रेड के साथ चीज स्लाइस, एग और कुछ थोड़ा सा व्हाइट सॉस, ये सब मिलके बहुत यमी लगता है। रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी पी लिया और अब सैंडविच भी ले लिया। अब ऐसा करते हैं, कुछ और अपने मतलब का देखते हैं और मम्मी ने जो जो बताया था वो भी देखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिखता है। बाबा को मम्मी के लिए थोड़ा मेकअप लेना था, इसीलिए मेकअप वाली आंटी ने खुद ही मेकअप लगा कर दिखाया कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर है, इसीलिए हमने वही परचेज कर लिया ताकि मम्मी भी खुश हो जाए। उसके बाद मुझे अपनी बहुत प्यारी सी फ्रॉक लेनी थी। मुझे एक बहुत अच्छी फ्रॉक दिखी, इसीलिए मैंने उसको ट्राई किया तो थोड़ी बड़ी थी, इसीलिए मैंने अपने साइज की ली। फिर उसके बाद हैट लिया और फिर शूज। ये हो गई मैं पूरी की पूरी तैयार। और पीने के बाद अब कुछ खेलने का मूड था, इसीलिए हम बाबा को टॉयज स्टोर पे ले आए। वहाँ बहुत सारे टॉयज थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब ऑलरेडी हमारे पास था सिवाय एक चीज के, जो कि हमें मिल गई और वो बहुत अच्छा था। अपनी पसंद का तकरीबन सब कुछ ही ले लिया था, लेकिन फिर भी कुछ बचा था, कैंडीज। बस हम वही ढूंढ रहे थे और मिल गई थी। ये देखो यहाँ कितनी सारी किस्म की कैंडीज हैं, लेकिन मुझे कुछ मखसूस ही कैंडीज बहुत पसंद है और मैं यहाँ से वही ले रही हूँ। मुझे लॉलीपॉप खाना भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपने लिए कुछ लॉलीपॉप्स भी यहाँ से लिए। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जगह जाने का सोचा, लेकिन तकरीबन सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। बस फिर हम काउंटर पे आ गए और बिल करवा लिया। हमने बहुत सारी बल्कि सारी ही अपने मतलब की चीजें ली थी, उनका बिल भी बहुत ज्यादा बन गया था। पर डोंट वरी, बाबा हमें बहुत कम ही लाते हैं और जब भी लाते हैं हम उनकी जेब खाली करवा देते हैं। पूरा बिल हो गया। उसके बाद अंकल ने बाबा से बिल पे करने के तरीके बताए कि आप किस तरह करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, कैश देना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड। बाबा ने उनको कैश दिया। अब अपने मतलब का सारा काम हो चुका था, इसीलिए हम दोनों बहुत खुश थे और हमें देख के बाबा बहुत खुश थे। ओह जोजो, ये देखो, सब देखो मुझे छोड़ के गए थे, अब मैं भी इसी मॉल जाऊंगी और अपनी पसंद की चीजें लेकर आऊंगी। ये मॉल बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। तुम नहीं आए थे बेटा, अब तुम अपनी मर्जी की चीजें ले लेना। यस मम्मी, इसकी तो आप फिक्र ही ना करें। बाबा के साथ पहले मैं नहीं आया था, इसीलिए अब की बार मम्मी के साथ मैं आ गया। अब मम्मी को ये वाली कुछ चीजें लेनी थी, तो इसीलिए हमने वन बाय वन शॉप्स पे जाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे स्टार्ट में ही मुझे कैंडी का स्टॉल दिखा, तो बस मैंने वहाँ से अपनी पसंद की बहुत सारी कैंडीज ली। यहाँ बहुत सारी चोको बार भी रखी थी,
जिन्हें देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया और वो बहुत यमी थी। मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। हम थोड़ा आगे चले तो वहाँ एक और बेकरी का स्टॉल था, तो बस मैं वहाँ पर भी रुक गया क्योंकि मेरा केक खाने का बहुत मन था। मैंने मम्मा से बहुत जिद की। मेरी जिद की वजह से मम्मा ने एक बहुत यमी सा केक पैक करवाया और वो बेकरी वाले अंकल भी बहुत अच्छे थे, बहुत जॉली थे। उन्होंने हमारे साथ बहुत मस्तियाँ की थी। मम्मी ने अब मेरी पसंद की दोनों चीजें ले ली थी। अब मैंने सोचा कि कुछ नहीं लूंगा, लेकिन ये क्या, मुझे एक और मेरे काम की चीज दिख गई। ये मेरी खत्म हो गई थी, मुझे ये जरूरी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये भी ले लिया। फिर आगे चलने के बाद मुझे मेरे नाप का बहुत अच्छा सा ड्रेस दिखा, तो बस मैंने मम्मी से जिद करके वो भी ले लिया और वो भी मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। मॉल आए हुए हमें काफी देर हो गई थी। थोड़ी ही दूर चले तो हमने वहाँ बहुत सारी ड्रिंक्स दिखी, तो हमने सोचा चलो कुछ ठंडा और रिफ्रेशिंग हो जाए, तो बस फिर हमने सबसे पहले ड्रिंक एंजॉय किया। फिर उसके बाद मम्मी को याद आया कि जोजो के लिए फिश लेनी है। फिश से खेलना जोजो को बहुत पसंद है, इसीलिए हमने आगे चल के फिश ढूंढी और वो हमें मिल भी गई। तो वहाँ से हमने दो तरह की बहुत अच्छी सी फिश ली। अपनी पसंद की सारी चीजें लेने के बाद अब हम लोग बहुत थक गए थे, तो बस अब तकरीबन सारी ही चीजें कंप्लीट हो गई थी। तो बस हमने सोचा काउंटर पे जाकर बिल दे दें। काउंटर वाले अंकल ने हमें पहचान लिया था। वाले अंकल ने हमसे फिर बिल पे करने के तीन तरीके बताए, पर मम्मी ने इस बार स्कैन चूज किया। बस मम्मी ने स्कैन से बिल को पे किया, फिर उसके बाद हमने अपना सारा सामान पिक कर लिया। हम यहाँ से शॉपिंग करके बहुत खुश हुए और हमें देख के मम्मी बहुत खुश हुई। वाओ, व्हाट अ नाइस पिक्चर। Thank you, friends.